हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिवी इलेक्ट्रॉनिक्स। ये वीवो का Y55 हैंडसेट है। इसके अंदर प्रॉब्लम थी कि लाइट आ नहीं रही थी। मैंने इसका फोल्डर चेंज करके चेक कर लिया, ये स्ट्रिप चेंज करके देख ली, उसके बावजूद भी इसमें लाइट आ ही नहीं रही थी। क्योंकि इसके अंदर और बाद में इसमें ट्रेस किया तो इसके अंदर लाइट आई सी तो कहीं लगी हुई है नहीं। इसके अंदर लाइट का सारा कंट्रोल ये आईसी करती है। इसका नंबर होगा PMI 1952। ये इस आईसी का नंबर है। इसके अंदर चार्जिंग भी यही कंट्रोल करती है और लाइट सेक्शन भी यही कंट्रोल करती है। तो मैंने इसकी ये प्रोटेक्शन कवर को हटाने के बाद नीचे जो इसको ट्रेस किया तो इसमें पाया कि ये रेक्टिफायर डायोड है। ये डायोड जला हुआ था, वो डालने से इसका लाइट तो ऑन हो गया, बट ऑन होने के बाद जब स्विच ऑफ के अंदर चार्जिंग के अंदर लगा के रखते हैं तो तकरीबन ये 5 से 10 सेकंड तक लाइट ऑन रहती थी। उसके बाद सेट यहाँ से ये पूरा कंपोनेंट बुरी तरह से हीट होने लगता था, ये आईसी, ये सब कुछ। तो मैंने इसको पावर ऑन करने की कोशिश की तो वीवो नाम पर लोगों पर आकर के मोबाइल वापस स्विच ऑफ हो जा रहा था। यहाँ से मतलब ये पार्ट सारे हीट कर रहे थे बुरी तरह। तो फिर मैंने इस डायोड को वापस हटाया, हटाने के बाद इसको ऑन किया तो सेट में लाइट नहीं थी, फिर वही कंडीशन थी, बाकी सेट पूरा ऑन हो रहा था। तो इसका मतलब प्रॉब्लम तो इन्हीं सेक्शन के अंदर थी। ये जो कैपेसिटर है वो बूस्ट कैपेसिटर है और ये बूस्ट कोयल है। यहाँ पर एक्चुअल में हुआ यूँ था कि जो ये कोयल लगी हुई है वो कोयल शॉर्ट थी। मैंने यहाँ पर वोल्टेज चेक किया तो वोल्टेज आ रहा था, क्योंकि शॉर्ट होने की वजह से वोल्टेज तो आने ही आने थे। ये शॉर्ट होने की वजह से ये पूरे सेक्शन को हीट कर रही थी और सेट को पावर ऑन होने ही नहीं दे रही थी, इतना मतलब हीट हो रहा था ये। उसके बाद मैंने इस कोयल को चेंज किया, इस डायोड को वापस लगाया, लगाने के बाद मोबाइल में लाइट पूरी तरह से वर्क में आ गई। तो सबसे पहले आपको इसका ये कनेक्टर है, कनेक्टर में 200 की रेंज में रख करके आपको लाइट सेट को पावर ऑन कंडीशन के अंदर, यहाँ पर इसका जो एक नंबर पिन है ये इस पिन पर चेक करना है। इस पिन पर आप देख रहे हैं 3.5 वोल्ट आ रहे हैं, ये वोल्टेज आने चाहिए। अगर 3.5 वोल्टेज आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ से लेकर के ये फ्लैप सही है और यहाँ तक वोल्टेज यहाँ से निकल रहे हैं, मतलब लाइन बीच में से कहीं से भी ड्रॉप नहीं है। अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं उसके बाद आगे फोल्डर के अंदर नहीं आ रहे हैं, तो एक बार आप यहाँ से कनेक्टर से दूसरा फोल्डर या डिस्प्ले लगा करके चेक कर लें। अगर ये सेक्शन से दूसरे डिस्प्ले लगा कर बैटरी रिमूव करके वापस डाल के स्विच ऑन करोगे ना, क्योंकि ये मतलब डिस्प्ले लगी हुई है या नहीं लगी हुई है ये सेंस करता है सीपीयू, उसके बाद लाइट बनाने के लिए वो वोल्टेज 15 से पल्स जनरेट करता है। वो अगर मान लो LCD इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगी ना तो फिर ये 3.5 वोल्ट ही बताएंगे, या मान लो जितनी बैटरी ऑन होगी, जितनी बैटरी जैसे मान लो बैटरी फुल चार्ज होगी तो 4.1 वोल्ट या 4.2 वोल्ट के समथिंग आएगा, मतलब 3.5 ये मिनिमम है, इससे ऊपर ऊपर वोल्टेज आनी चाहिए आपको। तो फिर अभी आप इसमें दूसरा फोल्डर लगाने के बाद भी अगर लाइट नहीं आ रही है तो सबसे पहले यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लीजिएगा, अगर यहाँ से आ रहे हैं तो ठीक है, अगर यहाँ नहीं आ रहा है तो आपको
यहाँ से इस पॉइंट से या इस कैपेसिटर के इस सिरे से या इस सिरे से, ये ग्राउंड है, इस सिरे से आपको जंपर उठाना है और उठा करके सीधे इस कनेक्टर की एक नंबर पिन को दे देना है। सीधे इस कनेक्टर की एक नंबर पिन को दे देना है। नीचे इस पर वोल्टेज चेक करोगे ना, तो इस पर अगर वोल्टेज आ रहा है और फिर भी बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप इस कॉइल को रिप्लेस कीजिए, इसकी वजह से भी हो सकता है। ये देखिए 3.6 वोल्ट आ रहा है इधर, और इधर 4.2 वोल्ट आ रहा है। ये वोल्टेज इधर आने चाहिए, ये कॉइल अगर ओपन होगी तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं, अगर शॉर्ट होगी, ये कॉइल शॉर्ट होगी तो इस पूरे सेक्शन को बहुत ज़्यादा हीट करेगी, ओवर हीट करेगी ये, और लाइट मोबाइल पूरी कम्प्लीटली ऑन नहीं होगा आपका। तो फ्रेंड्स, अगर लोगों पे आकर के सेट रुक रहा है या पीछे से बुरी तरह से हीट हो रहा है, तो आप इस सेक्शन को एक बार ज़रूर चेक कर लें। प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग शिव इलेक्ट्रॉनिक्स।